मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो इतना ही खाऊंगी, इतना ही खाऊंगी। अरे तो आप खत्म नहीं होते यार। अरे बिल्कुल ही आदमी जो है ना, ना घर का रहता ना उधर का रहता, शादी करके ना यही हाल होता है। मैं बताऊंगी, नहीं मैं बताऊंगी, सब बता दो। ये मुझे लेके क्या बोलते हैं उनको, छपरी ड्राइवर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो इवनिंग में स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग में मतलब कि शाम के बज रहे हैं 6:15। और क्यों क्यों खोलूं गेट, अपना काम स्वयं करो। पीछे आओ, पहले ब्लॉग तो करवा दो। अभी तो कह रहे थे ऊपर कि अब मैं कम बैक करूँगा, अपना काम स्वयं ही कर रहे हो। अभी तो ऊपर कह रहे थे कि अब मैं कम बैक करूँगा। हाँ तो गाइज, आज का जो ब्लॉग है वो शाम को, देखो मैंने बोला था इसकी तबीयत हो गई चंगी। हाँ तो अब हो जाएगी ना, मौसम ठीक हो गया ना। हाँ डॉक्टर कैंसिल हो गया ना इसका प्रोग्राम। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। किस ले जा रहे हैं ये जो चटोरे आदमी है ना, इनका कुछ खाने का मन कर रहा है। अंजलि की तबीयत खराब है, अंजलि की तबीयत ठीक होती है गोलगप्पे का पानी पी के। नहीं खाऊंगी, देख लेना, अगर मैंने खाया तो आप वीडियो बना देना। मैं नहीं, नहीं तो वीडियो थोड़ी बनाती जब खाती है। नहीं आप बना देना ना, चुपके से बना देना। अगर मैं वीडियो बनाती जब तू खाती, छोड़ मत बोल। मैं कह रही हूँ आप बना देना जब मैं खाऊं, अगर मैं खाऊंगी कुछ तो आप वीडियो बना के डाल देना। ठीक है बट तू वीडियो थोड़ी बनाती खाते हुए, ये कह रहा हूँ मैं। अपने डाइटिशियन को तो बेवकूफ बनाती तू। कहाँ बेवकूफ, मेरा वेट कम कैसे हो रहा है फिर अगर मैं किसी को बेवकूफ बनाऊं। अचानक से खाती है बीच में, उस टाइम बेवकूफ बनाती थोड़ी देर के लिए, कुछ भी थोड़ी देर के लिए, फिर वेट कैसे कम आएगा अगर दो चार दिन कर लेती है ना डाइटिंग, तो अगले दिन मॉर्निंग में कैसे कम आएगा भाई। अरे तो कुछ भी बोल यार, चलो चलो। तो गाइस चलते हैं मार्केट, दिखाते हैं क्या क्या करते हैं आज। क्या छपरी हो रही है, छपरी ड्राइवर है, क्या बोलते हैं उनको, छपरी ड्राइवर। गिरा मती ना, सब देख रहे हैं छपरी ड्राइवर हो रही है। ब्लॉग भाई, ब्लॉग ब्लॉगिंग ऐसी होती है, छपरी और छपरी ब्लॉगिंग ऐसी होती है भाई। क्या फ्री में केक मिल रहा है क्या? ये एक्चुअल में स्पीड इस तरीके से चल नहीं पा रहा था। केक मिल रहा है फ्री में, मैं डाइटिंग पे हूं गाइस, मैं डाइटिंग पे हूं तब फ्री में केक मिल रहा है मार्केट में। सुनो मेरे फोन का भी दिला दो। अरे यार घूम फिर के ना मंदिर भास्ता नहीं पाने दे। आप देखो अपना भी देखना छोड़ दिया। मैं देखो ये तो ऐसे ही है, ये तो जैसा मैंने लगा रखा है वैसे ही है भैया। नहीं ऐसे में नहीं है क्या? ठीक है कोई नहीं, आप देख लो अपना कौन से है? मैं नहीं ले रही, देख लो देख लो, ये वाले हैं सारे 13 का ही रहा, देख लो। अरे नहीं ले रही मैं, देख लो सच में नहीं ले रही मैं, देख लो आप। गाइज ये होता है चालूपना, ये चालूपना होता है। ये अपने फ़ोन को नया करवा लिया, दिखाना अपना फ़ोन, दिखाना अपना फ़ोन, दिखाना अपने फ़ोन को टेम्पर टूम्पर चेंज करवा के नया करवा लिया। और जब मैंने मांगा कवर तो कह दिया कि रहने दे, मैं भी नहीं खरीद रहा। अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी। बारिश आ रही है, चलो फिर से। क्यों बस हो गया, आप तो खाने आए थे। नहीं यार मेरे बिना नहीं खाओगे? नहीं तेरे बिना नहीं खाऊंगा, पक्का पक्का प्रॉमिस। ठीक है घर पे भेलपूरी बनाते हैं। अभी दिखाऊंगी क्या क्या खाएंगे मेरे बिना। अरे नहीं भेलपूरी खाऊंगा खाली। हाँ दिखाऊंगी भेलपूरी, तो घर पे बनाती तू बढ़िया वाली। कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह नहा के? गाइज ये देखो 7:45 हुए हैं अभी, और आज बाप बेटे 7:45 बजे छुट्टी वाले दिन ये इतनी जल्दी उठ जाते हैं जिस दिन। क्या चुप रहे, क्या चुप रहे? अरे वी आर गोइंग ऑन अ डेट। डेट किसके साथ है? कोई कौन है? है मुझे लग रहा है आपकी दही मसाला मांग रही है। अयान की फ्रेंड। अयान की फ्रेंड के साथ? अयान आर यू गोइंग ऑन अ डेट? नहीं नहीं, दिख शर्मा गया। पापा जा रहे हैं। अयान की एक फ्रेंड आ रही है। नहीं। उसे पार्क में मिलने। नहीं। कौन सी फ्रेंड आ रही है तेरी? कोई नहीं आ रहा। अच्छा और आपकी? मेरी कोई नहीं। आप तो हिम्मत भी मत करना ऐसे फ्रेंड के साथ डेट पे जाने की, समझ गए? मैं कह रही हूँ मूवी दिखा लो, तो वो तो आपसे दिखाई नहीं जा रही, डेट पे जाओगे। जिंदगी में यार ये टाइम पास करने के लिए थोड़ी है। हाँ अब मैं कुछ बोलना चाहूंगी पर मैं बोल नहीं पाऊंगी व्लॉग में, इसलिए ये मुझे लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे की डेट है। इस नालायक लड़के को कोई मतलब नहीं अपनी माँ से। बेटा 9 महीने तू मेरे पेट में रहा था ना कि पापा के पेट में रहा था, समझ गया?
तो गाइज अयान तो आज सुबह से ही रेडी था, वो चला गया है अपनी बुआ के घर पे। उसको हर सैटरडे संडे या तो बुआ के घर जाना होता है या नाना नानी के घर जाना होता है, उसका हर सैटरडे संडे का यही है। पूरा एक्साइटेड रहता है, मैं छुट्टी है तो मेरे को बताओ मेरे को क्या करना है, मैं तो जाऊँगा, मैं तो ये करूँगा वो करूँगा। तो अभी फ़िलहाल वो चला गया है, दोपहर हो रखी है, हम लोग भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। मेरी कुछ दिनों से जो है तबीयत बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रही है, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं हर दूसरे दिन बीमार हो जाती हूँ। मैं कल रात को मम्मी को यही कह रही थी और अमन को भी मैं यही कह रही थी कि पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से मैं बार बार बीमार हो रही हूँ। अब जो है थोड़े दिन पहले मैं गिरी थी तो मेरी कमर में लगी थी, अब जो है कल परसों से मेरे ना गले में फिर से वही जो एक बार काव्यांश हुआ था जब मेरे टॉन्सिल वाला दर्द नहीं हुआ था गले में, वही दर्द फिर से अब दोबारा से उठ गया है। पता नहीं, अब तो मैंने कुछ बाहर का भी नहीं खाया, तब तो चलो डॉक्टर ने ये कह दिया था कि भाई बाहर का खाते हो मे भी हो सकता है उसकी वजह से टॉन्सिल उठाओ, बट अब तो मैं डाइटिंग पे हूँ, अब तो मैंने कुछ बाहर का भी नहीं खाया। मैं घर भी गई थी तो पापा उस दिन पैटी लेके आए थे, मैंने वो पैटी भी नहीं खाई ये बोल के कि मुझे नहीं खाना बाहर का। अब फिर भी लेकिन ये दर्द हो रहा है, मैं 2 दिन से दवाई ले रही हूँ। क्या होता है जैसे जैसे शाम होने को आती है पता नहीं इस दर्द की वजह से ही ना बॉडी पेन करने लग जाती है और ऐसा लगता है जैसे फीवर आएगा, तो मैं 2 दिन से वो दवाइयाँ खा रही हूँ। तो फिलहाल मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि अमन भी सो गए हैं, मैं बस अपना लंच करूँगी थोड़ा सा खाऊँगी और फिर मैं करूँगी रेस्ट। फिर मिलेंगे आप लोगों से थोड़ी देर बाद। फिलहाल मैं आई हूँ यहाँ पे कपड़े उतारने के लिए, पीछे कपड़े सुखा रखे और इतनी तेज़ धूप है कि मैंने सुखाए थे 10 बजे के अराउंड और अभी 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे तक कपड़े सूख गए, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है अभी से अप्रैल में। ये देखो भाई कितनी तेज़ धूप है बाहर, धूप की वजह से कपड़े जो हैं इतनी जल्दी सूख गए हैं। इंसान सूख जाए तो कपड़े हैं फिर भी, इसलिए मम्मी रोज़ जो है भिंडियों में पानी देती है क्योंकि अब सूखने लग गई ना चीज़ें, अब गर्मी आ गई फिर से और ये पतझड़ ख़त्म होने के बाद ये पेड़ इतनी जल्दी हरा भरा हो गया फिर से, ये वाला भी नहीं तो बिल्कुल सूख गए, सूख के पत्ते झड़ के खाली खाली सा हो गया था यहाँ से। कपड़े तो ऑलमोस्ट सूख ही गए मुझे लग रहा है, सारे ही सूख गए, हाँ सूख गए, जीन्स सूख गई तो मतलब सब कुछ सूख गया। अरे आप तो सो गए थे, मैं सबको कह रही हूँ वो सो गए, आप तो मेरे को कह रहे थे सो रहा हूँ मैं, तेरे सो रहा था ताकि तू बिजी रह ताकि मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। कितने बेकार हो आप, मेरे से इतने दुखी हो तो आप मुझे क्लियरली बोल दो ना किस चीज का डर है। मैं बहुत दुखी हूँ मेरे से, तेरे से पक्का पक्का, फिर भी मैं तो यहीं रहूंगी, क्लियरली बोल दे फिर नहीं पड़ेगा। अब तो 7 जन्मों का साथ है, ये तो खाली केवल अभी एक ही जन्म है, पहला है। हो सकता है सातवां भी हो, मेरे को तो सातवां महसूस हो रहा है मतलब इसके बाद आप एक्सचेंज करना चाहते हो, नहीं इसके बाद मुक्ति पाना चाहते हो चाहते ही नहीं हो कोई और जीवन तो में मुक्ति हो जाए, मुक्ति मिल जाए, हर इंसान को मुक्ति की कोशिश करते हैं। गाइज ये तो ऐसी बकवास करते रहेंगे। ये देखो गाइज आज का जो लंच है वो है मटर पनीर की सब्जी और 1 रोटी, ये है हमारा सात्विक जीवन जिसमें कि हम सिंपल सा भोजन करते हैं, मटर पनीर की सब्जी है और 1 रोटी है। आपने क्या क्या खाया? मैं रोटी सब्जी खाई है नॉर्मल। हाँ, एक तुम्हारी तरह मैं चीज बर्स्ट नहीं खाता चीज बर्स्ट से निकाल दिया करो। गाइस हम लोग निकल चुके हैं कहीं जाने के लिए। एक्साइटेड क्यों हो रही, बीमार है तू, हो रही तबीयत खराब है तेरी, क्या बात कर रही है? वो तो वो मैं कह रही ना जब पेन किलर लेती हूँ और वो जो इसकी टॉन्सिल की दवाई लेती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ, फिर जैसे जैसे शाम होती आती है तो वैसे वैसे फिर बीमार होने लगती है। कौन सा पेन किलर लेने जा रही हो तू? गाइस बहुत ही जद्दोजहद के बाद मैंने जो है इनको मनाया, कल तो खुद ही कह रहे थे जब इन्हें पता था ना कल मेरी ज्यादा तबीयत खराब थी, तो कल खुद ही कह रहे चल मूवी दिखा के लाता हूँ, कल मैंने ही मना कर दिया क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी जाने की, बुक भी कर रहे थे उस टाइम टिकट लेकिन मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जा रही देखने के लिए। अब आज मैंने कहा कि आज मैं ठीक हूँ, सुबह पेन किलर ली थी और वो दवाई ली थी तो मैं ठीक हो गई। मैंने कहा बे चल, आज मैंने कहा कि ले चलो मूवी दिखाने, कहा बे चल बहुत देर से, और मुझे पता है एक बार अगर मैंने चांस मिस कर दिया तो मैंने कर दिया। जब हमारी शादी हुई थी ना गाइस, मैं एक इंसिडेंस बताती हूँ, जब हमारी शादी हुई नहीं थी सॉरी सगाई हुई थी, शादी होने वाली थी तो इन्होंने मेरे से पूछा फोन पे कि भाई कहाँ घूमने चलना है शादी के बाद, तो मैंने बोला, मैंने कहा अभी तो मेरे एग्जाम्स है, मैं एमबीए कर रही थी तब, मेरा फाइनल ईयर था,
तो मैंने बोला कि है ना मेरा अभी एग्जाम्स है और मैं नहीं जा सकती अभी तुरंत शादी के बाद। उस टाइम मुझे इतना घूमने फिरने का शौक भी नहीं था, तो मैंने कहा अभी नहीं जा सकती, अभी ड्रॉप कर देते। इन्होंने कहा नहीं, मॉरिशियस या पता नहीं मालदीव्स कहाँ की टिकट्स बुक कर रहे थे इन्होंने, मेरे पास ये फ़ोन करके कन्फर्म करने के लिए फ़ोन किया था कि कब से एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा बाहर की मतलब वहाँ मैं आज तक नहीं गई हूँ, 10 साल होने को है शादी को। उसके बाद फिर मैंने इसको वही एक चीज़ बोली, चल नहीं उस टाइम तो चलते मगा चल, उस टाइम तो शरीफ थे ना, जब तो सगाई हुई थी शादी नहीं हुई थी तो फिर नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि उस टाइम पे हिसाब बैठ रहा था तो मैंने कहा चलो। अरे मैं बता रही हूँ, अब ज्यादा शरीफ मत बनो, मैं बता रही हूँ इनकी शराफत। तो है ना उस टाइम पे फिर मैंने पैसे थे, मैंने उस टाइम मना कर दिया, मैंने कहा कि पैसा अब भी मत बोला करो, मैं बोल रही हूँ किस दिन जुबान पे सरस्वती बैठी होगी ना, मतलब घूमने के हिसाब से पैसे। हाँ, मैं बता रही हूँ। तो फिर मैंने ना मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मेरे एग्जाम्स हैं, और मेरे एग्जाम उस टाइम पे हुए भी नहीं, उनकी छुट्टियां थी उस टाइम, काफी दिनों तक की छुट्टियां ले रखी थी तो छुट्टियां थी, मेरे एग्जाम्स हुए भी नहीं और वो मैंने मिस कर दिया। फिर ये मुझे कहाँ घुमाने लेके गए, मैं बताऊंगी, नहीं मैं बताऊंगी सब बता रही हूँ। ये मुझे लेके गए आगरा, मेरी शादी के बाद मैं आगरा गई, कतई लेवल पे ला दिया मैंने इसको। उसके बाद की एक्सपेक्टेशन इसकी बड़ी है, कम नहीं होने थी मैंने नहीं। फिर उसके बाद हम गए मनाली, फिर तो हम कई सारी जगह जाते गए। फिर मैं फर्स्ट मेरा जो थाईलैंड वाला ट्रिप था वो आप लोगों ने देखा जो 2 साल पहले था, तो वो भी एक अच्छा ट्रिप था। बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ ला दिया, मतलब कहाँ मॉरिशियस ले जा रहे थे और कहाँ इन्होंने मुझे आगरा पे ला दिया। तो मैं वही बता रही हूँ, जब ये अब मैं तब से ना डर चुकी हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद मैंने कई बार कहा इन्हें, जब 1.5 साल हो गया, पहले तो मैं शर्माती थी नहीं कहती थी, फिर जब 1.5 साल हो गया तो फिर मैंने इनको कहना शुरू करा, मैं इनका घुमान ले जा, कह रहे आप चलना ऐसे, अब चल अब चल ऐसे करने लग गए थे। तो अब मुझे समझ में आने लग गया, कल जब मैंने मूवी के लिए मना किया ना तो मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा फिर वैसे ही बिहेव करेंगे, और आज इन्होंने एग्जैक्ट वही बिहेव किया। फिलहाल मैंने मना लिया, अभी फिलहाल चल रहे हैं, पहुंच जाते हैं मॉल क्योंकि मूवी का टाइम होने वाला है, फिर आप लोगों से मिलते हैं। गाइस अंजलि बोलती ना मुझे सरप्राइजेज नहीं देते, आज मैंने इसको ऐसा सरप्राइज कर दिया। यहीं पर एक रेस्टोरेंट है, इसमें मैं लेके आया हूँ इसको, सी सच अ नाइस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, बट प्रॉब्लम ये है कि अंजलि को इस मेन्यू की इंग्लिश समझ नहीं आ रही। इंग्लिश भी समझ नहीं आ रही ना, बट इंग्लिश तो समझ नहीं आ रही। आप लेके भी ऐसे टाइम पे आए हो जान पूछ के, आपको पता ही कुछ नहीं खाएगी गले के दर्द की वजह से, इसलिए आप जान पूछ के अभी लेके आए, खुद खा के निकल लो। मैं कब खाता हूँ, कब खाता हूँ, ये हाल है आपका। अरे क्या बात है, कैसे सिर पकड़ के बैठ गए, जब से फोन पी रखा था कहीं लेके नहीं जा रहे, कहीं लेके नहीं जा रहे, इतने दिन हो गए, अब लेके आया हूँ तो मेरे को पकड़ा दिया, कर लो ऑर्डर, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो इतना ही खाऊंगी। अरे तो आप खत्म नहीं होते पूरी आदमी जो है ना इधर का रहता ना उधर का रहता है, शादी करके ना यही हाल होता है। तो गाइज अभी आ गए हैं घर पे, और घर पे आने के बाद कर लिया है चेंज। अयान के पास किया था फोन कि अगर आपको आना है वापस तो हम लेने आ जाते हैं, जब हम रास्ते में थे मूवी देख के वापस आ रहे थे, तो अयान को किया था कॉल, उसने कर दिया मना कि पापा बिल्कुल भी मत आना मुझे लेने के लिए, मैं आज यहीं रहने वाला हूँ, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, मेरी जो है चाप पार्टी चल रही है और ये सब, तो इस वजह से हम लोग अयान को नहीं लेके आए। अब हम पहुँच गए हैं घर पे, आके डिनर विनर कर लिया था, 9:30 हो गए हैं, मैं अभी देखने वाली हूँ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी जो है वो आ चुकी है यूट्यूब के ऊपर, लोगों ने ऐसा वो मचा रखा है, कल ही प्राइम पे आई है और कल भी किसी ने यूट्यूब पे डाल दी थी, लेकिन कोई ऐसे कर रहा है कि 2 घंटे के लिए डाल रहा है फिर उसको डिलीट कर दे रहा है, फिर 2 घंटे के लिए डाल रहा है फिर डिलीट कर दे रहा है। तो अभी हमें दिखाई दे रही है, चल रही है सामने टीवी में, अभी हमें दिखाई दे रही है, तो हम जो है देख लेते हैं मूवी और आप लोगों से मिलते हैं कल। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट and subscribe to our YouTube channel which is Anjali Aman Official. Bye bye, good night, take care.